हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लिख लो, स्टार्ट करो वेक्टर। तो आज की क्लास में तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो कि तुम ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पढ़ के आए होगे। जो भी आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, होपफुली वो तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू, और मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा डेफिनेशन वाइज होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो बट उसका डायरेक्शन हो साथ में। तो इधर लिख लो वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, बस इसमें मैंने एक डायरेक्शन और दे दिया तो ये मेरा वेक्टर बन गया, ठीक है ना। और लिख लो इसके आगे, इसमें इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से, और डिनोट कैसे करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड एज, एंड इट इज डिनोटेड एज। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी वेक्टर मेरा है वो लिखा मैंने और उसके ऊपर एक बार कर दिया। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो ये है, ए उसके ऊपर एरो, ये दो हो गए। और तीसरा नोटेशन जो होता है वो बहुत रेयरली यूज होता है, इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड। तो वो होता है ए बनाया और उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इन टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड, और एरो वैरो कुछ नहीं लगाया। दीज आर ऑल वॉट हाउ टू डिनोट ए वैक्टर, ठीक है। तो वैक्टर क्या होगा? एनी डायरेक्ट, इसको पांच दो बार मन में बोल लो कि वैक्टर क्या है हमारा, कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट प्लस उसका डायरेक्शन मिला के वी विल गेट अ वैक्टर। और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए के ऊपर बार लगाया, या फिर ए के ऊपर एरो लगाया, या फिर बोल्ड ए। इसको लिख लो, दिस इज बोल्ड ए, नॉर्मल ए नहीं है ये, क्योंकि बोल्ड ए, क्योंकि नॉर्मल बनाएंगे तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि अभी हम अगली लाइन में लिखने वाले हैं, ठीक है ना। बोल्ड है तभी मैं उसको वेक्टर ट्रीट करूंगा। हम जो फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो ये वाला है नोटेशन, ए के ऊपर एरो, दैट इज व्हाट वेक्टर है। सेकंड पॉइंट इसमें कि वेक्टर के अंदर क्या होता है, ये अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक चीज जो कि फिजिक्स में ही पढ़ोगे। दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो होता है उसका डायरेक्शन, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो वो लिख लेते हैं हम, वेक्टर कंटेन्स टू इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है? एक तो डायरेक्शन कंटेन टू इन्फॉर्मेशन, वन इज डायरेक्शन एंड अनदर इज टू डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दो ही चीजें वेक्टर में, एक तो उसका डायरेक्शन है और एक उसका मैग्नीट्यूड है। और जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो लिख लेते हैं, वेयर मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय। दो तरीके हैं, एक तो क्या है, देखना वेक्टर लिखा, ये तो वेक्टर हो गया, और उस पर मैंने मॉड लगा दिया, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक यू विल सी कि वो केवल ए लिख देते हैं, दिस इज नॉट बोल्ड ए। बोल्ड मतलब तो पूरा वेक्टर हो गया, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो केवल स्मॉल ए आएगा। बट ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, दिस यू विल फाइंड इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक, मॉड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज रिप्रेजेंट व्हाट मैग्नीट्यूड। और रिप्रेजेंट क्या करता है वो, वेक्टर की लेंथ, इट रिप्रेजेंट, लिख लो मॉड ऑफ ए रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीज देखी कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर बार, या फिर ए के ऊपर एरो, या फिर बोल्ड ए। और दूसरी चीज, वेक्टर के अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड के अंदर वेक्टर लिख के, या फिर सिंपली ए। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब थर्ड पॉइंट इज नल वेक्टर। आई होप सबको पता होगा नल मतलब क्या हो गया, जीरो वेक्टर। लिख लो नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर, दिस इज माय थर्ड पॉइंट, जीरो वेक्टर, या फिर इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं।
वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, जीरो मतलब क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो. तो लिख लो इसको डेफिनेशन, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नल वेक्टर, इज कॉल्ड नल वेक्टर. दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को तो मैं ऐसे लिखता हूँ, और मैग्नीट्यूड इज जीरो, देयरफॉर वेक्टर ए इज माय नल वेक्टर. ठीक है. अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, मेन चीज कि भाई जरूरत क्यों पड़ी हमें, इसलिए पड़ी, देखना ध्यान से, कि जैसे मान लो मैंने वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए किया, अगर मान लो तुमने इधर केवल जीरो लिखा, एक्चुअली ये वेक्टर लिखना है मुझे, इधर एरो लगेगा, अगर मान लो तुमने इधर केवल जीरो लिखा तो ये मेरा गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, द रीजन इज इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेक्टर क्वांटिटी लिखी है और इधर एक स्केलर क्वांटिटी लिखी है, तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर के बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं. इसी कारण से यूज आया जीरो वेक्टर का. दिस इज करेक्ट. इसमें LHS भी वेक्टर है और RHS भी वेक्टर है, ऑल्दो इट इज नल वेक्टर, बट ये जो जीरो लिखा है मैंने, दिस इज नॉट अ वेक्टर, ये तो सिंपली स्केलर नंबर है जीरो, तो इसलिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी. ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी होगा कि हमारा डिफरेंस ऑफ वेक्टर जीरो आएगा, तो हम उसको जीरो ना लिख के उसको जीरो वेक्टर लिखेंगे, नहीं तो ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें LHS तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, RHS स्केलर है, तो वेक्टर स्केलर के बराबर तो हो नहीं पाएगा. हेंस वी हैव टू राइट इंस्टेड ऑफ जीरो वी हैव टू पुट हियर जीरो बार, मतलब नल वेक्टर. गेटिंग इट. चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ. अब आते हैं हम यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर अगेन नाम से इंडिकेट हो रहा है, यूनिट मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड वन होगा. जैसे इधर जीरो वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड जीरो था, इधर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इज वन. तो लिख लो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं, ए और उसके ऊपर एक ये कैप लगा दिया, इसको रीड क्या कर से, ए कैप. दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारा जो वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट हैज़ टू बी वन, दैट हैज़ टू बी वन. अच्छा, अब मान लो मुझे कोई वेक्टर दिया है, उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करूँगा मैं सिंपली, अगर मान लो कोई वेक्टर दिया है, लेट्स से वेक्टर ए दिया है, अब ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करूँगा मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन आई विल, व्हाट आई विल गेट, ए कैप. तो लिख लो इसको, टू गेट यूनिट वेक्टर डिवाइड द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, टू गेट अ यूनिट वेक्टर, टू गेट अ यूनिट वेक्टर, टू गेट अ यूनिट वेक्टर डिवाइड इट, डिवाइड इट विथ इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड इट विथ इट्स मैग्नीट्यूड. समझ में आया, टू गेट अ यूनिट वैक्टर डिवाइड इट्स विथ विथ इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा. चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट. तो हमने देखा जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, और वेक्टर कंटेन टू इन्फॉर्मेशन, और वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. चार पॉइंट हो गए हमारे. ठीक है, नाउ लेट्स टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वन, दैट इज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है. लेट्स से दिस इज माय टू डायमेंशनल स्पेस, लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट, लेट्स से 3, 4, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लिखेंगे डेफिनेशन, पहले समझ लेते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा. वेक्टर ओब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड ओरिजिन, ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट. लेट्स से दिस पॉइंट इज माय ए, तो मैं वेक्टर ओब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन एंड दिस इज माय पॉइंट ए, सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए. क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट, वो ए की तरफ पॉइंट होना चाहिए. देखो ऐसा नहीं करोगे कि केवल इसको ज्वाइन कर दिया फिर बोलो ये वैक्टर हो गया, नहीं, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. अगर तुमने उल्टा दे दिया ऐसा तो ये माइनस ए हो जाएगा. सो हमें क्या बोलना है कि ए का पोजिशन वैक्टर चाहिए, तो आई विल
what I will do, I will join that point with origin, that is reference point, and the direction kya dunga main, towards the point, not towards the reference. Theek hai na, to likh lo isko. Position vector of a point is the vector obtained by joining the point with the origin. Origin मतलब ब्रैकेट में लिख लो reference point and directed towards it. ठीक है ना. पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट इज वॉट, उस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया और वो जो डायरेक्ट जो और पॉइंट की तरफ डायरेक्शन किया तब जो वैक्टर मिला दैट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए. ठीक है ना. अच्छा, पोजिशन वैक्टर को तुम ऐसे बोल सकते हो टू डायमेंशनल में कि एक कोऑर्डिनेट की तरह है बेसिकली. मतलब जब हम 3D पढ़ेंगे ना, 3D टू वेक्टर कन्वर्जन वगैरह आगे आएगा, तो उसमें हम बोलेंगे कि मतलब 1-to-1 मैपिंग है. पोजिशन वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेट. ठीक है ना. अब मुझे पता है कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट लिए मैंने, उन दोनों का कोऑर्डिनेट तो सेम नहीं हो सकते. तो इसको मैं पोजिशन वेक्टर के सेंस में कैसे बोलूँगा कि पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक. इसको दोबारा एलेबरेट करूँगा, पहले लिख लो. पोजिशन वेक्टर of a point is unique. क्या बोला मैंने कि पोजिशन वैक्टर को हम टू डायमेंशन में मतलब हमारे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में वी कैन से इट इज ट्रीटेड एज अ कॉर्डिनेट. मतलब पोजिशन वैक्टर इज इक्वेलेंट टू कॉर्डिनेट. और मुझे पता है किसी भी दो पॉइंट दो डिफरेंट पॉइंट्स के कॉर्डिनेट सेम नहीं होते. तो क्या बोलूँगा मैं कि किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर भी डिफरेंट नहीं होगा. मतलब अगर इसको ऐसे बोल सकते दैट इज मैथमेटिकली कि लेट्स से मेरे पास पॉइंट ए है. ठीक है ना. और लेट्स से उसका पोजिशन वेक्टर इज ए. ठीक है. और मान लो किसी एक पर्सन ने बोला कि पॉइंट ए है उसका पोजिशन वेक्टर इज ए, और लेट्स से दूसरे पर्सन ने बोला कि ए का पोजिशन वेक्टर इज बी. दो डिफरेंट पर्सन से मैंने पूछा ए का पोजिशन वेक्टर, तो एक ने बोला ए एक ने बोला बी. इसका मतलब क्या होगा? और हमें पता है पोजिशन वेक्टर तो यूनिक होता है. दिस इंप्लाइज व्हाट? ए इज इक्वल टू बी. समझ में आया? या फिर इसी को दूसरे सेंस में कैसे बोलेंगे? और इसको हम बोलेंगे कि लेट्स से एक ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ए है और किसी ने बोला कि बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर भी ए है. दिस इंप्लाइज व्हाट? कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वन एंड द सेम थिंग. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सेम एक्चुअली. समझ में आया क्या बोला? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हमारा इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम 3D में कि पोजिशन वेक्टर क्या होता है, यूनिक होता है. कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर सेम नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स ना, मैंने क्या बोला, पोजिशन वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशन इन हमारा इसमें कार्टेशियन में. तो दो डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते, तो दो डिफरेंट पॉइंट के पोजिशन वेक्टर भी सेम नहीं हो सकते. लेकिन अगर मान लो, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लो कि कोई पर्सन वन है, उसने बोला ए के पोजिशन कैपिटल ए एक पॉइंट है, उसका पोजिशन वेक्टर इज ए. किसी दूसरे पर्सन ने बोला कि उसका पोजिशन वेक्टर बी है. दिस इंप्लाइज व्हाट? ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए. इसी चीज़ को दूसरा बोलने का तरीका क्या है कि अगर मान लो किसी ने बोला पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर इज स्मॉल ए और किसी और ने बोला कि बी का पोजिशन वेक्टर भी ए है, दिस इंप्लाइज व्हाट? पॉइंट ए एंड बी आर द सेम. क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट के पोजिशन वेक्टर सेम नहीं हो सकते. अगर पोजिशन वेक्टर सेम है इसका मतलब वो एक ही पॉइंट है. ठीक है, मैंने बहुत एम्फोसाइज कर दिया. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. अच्छा, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या हो सकता है आगे 3D में पढ़ेंगे कि जैसे मान लो हमें जैसे आगे भी टू अपना आएगा जब हम 3D स्टार्ट करेंगे तो उसमें लाइंस और प्लेन्स आएगा टॉपिक. ठीक है ना. तो मान लो हमें प्रूफ करना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं. मान लो दिस इज L1. मैं जस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, नहीं भी समझ में आता अभी के लिए कोई बात नहीं, बाद में क्लियर हो जाएगा. मैंने बोला दो डिफरेंट लाइन है, अब मुझे प्रूफ करना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग. तो हम क्या करेंगे कि L1 पे एक कोई पॉइंट लेंगे पोजिशन वेक्टर जनरल और L2 पे लेंगे. और अगर हमने शो कर दिया कि लेट्स से मैंने L पे लिया A और इस पे लिया B पोजिशन वेक्टर जनरल, और मैंने शो कर दिया A इज इक्वल टू B. सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ.
आगे कैसे शो करना है, कैसे एज्यूम करना है, वो सब बाद की कहानी है। जस्ट मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि मुझे प्रूव करना है कि L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने तुम पहले ही बताया, थ्री डायमेंशन में जरूरी नहीं कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट, मतलब पैरेलल सॉरी इंटरसेक्ट करें। अगर मान लो पैरेलल नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो इंटरसेक्ट करें, वो एस्क्यू भी हो सकती है, लाइक दिस वे, एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं क्या कर दूं कि मैं क्या करूंगा कि एक L1 पे एक जनरल पॉइंट लिया मैंने, ठीक है ना, कैसे लेते हैं जनरल पॉइंट वो हम बाद में पढ़ेंगे 3D में। एक L2 पे लिया मैंने जनरल पॉइंट, मतलब पोजिशन वेक्टर, और फिर मैं कोई कुछ कैलकुलेशन करके, जो भी हमारे आगे हम सीखेंगे कैलकुलेशन करके, इफ़ आई एम एबल टू शो दैट A इज इक्वल टू B, दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंड जो लाइन ऑफ इंटर जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका पोजिशन वैक्टर विल बी A। ध्यान से सुनो, एक बार और स्ट्रेस दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इस पॉइंट का एप्लीकेशन, पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक। मैंने बोला दो लाइनें L1 L2, मैंने दोनों पे एक पोजीशन वेक्टर अज्यूम किया ना, लेट्स से पहले पे ए आया, दूसरे पे बी आया, और फिर मैं कुछ कैलकुलेशन करके इफ़ आई एम एबल टू शो दैट कि ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ए है वो लाइन L1 पे भी है, वो पॉइंट ए है वो लाइन L2 पे भी है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, माई ए, ठीक है, आएगी धीरे धीरे क्लियरिटी, डोंट वरी। अगर ये पॉइंट समझ में भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है 3D के लिए, जब हम पढ़ेंगे तब आई विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो सिक्स्थ देखते हैं हम, फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर, लिख लो इधर, फ्री वेक्टर एंड फिक्स वेक्टर। छोटी सी चीज है अगेन, मतलब आज की क्लास वैसे भी मोस्टली मतलब डेफिनेशन वगैरह आने वाली है, ठीक है ना, लास्ट में कुछ पार्ट न्यूमेरिकल कर लूँगा। तो फ्री वेक्टर क्या है, वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है फ्री है, फ्री इन द सेंस व्हाट, कि हम वेक्टर को, जैसे मान लो मेरा ये कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए है, इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, कीपिंग दैट इन माइंड कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वेक्टर ए, तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ रख दिया, दिस विल ऑल्सो बी माई वैक्टर है, कहेंगे तो फ्री वैक्टर मतलब क्या हो गया, पहले अलग से फ्री लिख लो, फ्री वैक्टर कि फ्री वैक्टर इज अ वैक्टर विच कैन बी ट्रांसलेटेड एनी वेयर इन द स्पेस वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री मतलब इतना भी फ्री नहीं है कि उसको रोटेट कर दें, ठीक है ना, फ्री मतलब वी कैन ट्रांसलेट इट, ठीक है ना। और जो भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, दे ऑल आर फ्री वैक्टर एक्सेप्ट पोजिशन वेक्टर, जो कि फिक्स वेक्टर है, अभी आऊंगा मैं उस पर। हमने क्या बोला कि फ्री वेक्टर मतलब हम वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक पोजिशन से उठा के दूसरी पोजिशन पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, फ्री वेक्टर इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर दैट कैन बी ट्रांसलेटेड, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड anywhere in the space, anywhere in the space while protecting its magnitude and direction, मतलब समझ में आ गया कि हम वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, हमारे मैथमेटिक्स में के लिए यू कैन ट्रीट एवरी वेक्टर इज फ्री वेक्टर, मतलब तुम लोग कभी भी किसी वेक्टर को ट्रांसलेट करके कहीं और रख सकते हो, कीपिंग दैट इन माइंड कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो इतना भी फ्री नहीं है कि उसको रोटेट कर दो, फिर तो वो नया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसको एक और चीज़, जैसे एक लाइन और इसमें लिख लो कि फिजिकल इफेक्ट, लिख लो पहले फिर समझाता हूँ, फिजिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय, फिजिकल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय, मतलब फिजिकल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ट्रांसलेटिंग, फिजिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय ट्रांसलेटिंग द फ्री वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। इस पे आ रहा हूं मैं, क्या है मतलब,
उसने क्या बोला कि जो हमारा फिजिकल इफेक्ट है ना, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ट्रांसलेटिंग द वेक्टर. कौन सा वेक्टर? अगर वो फ्री वेक्टर है. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ फोर्स इन लीनियर मोशन. देखना ध्यान से, जो फिजिक्स में पढ़ते हो, फोर्स इन लीनियर मोशन, इसका मतलब लेट्स से एक मेरा ये सरफेस है, ठीक है ना, इस पर एक ये ब्लॉक रखा है, ठीक है ना, और मैंने लेट्स से 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस पर. तो अब मैं फोर्स क्या इधर लगाऊँ, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, चाहे मैं इधर लगाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है कोई फिजिक्स में? हम तो रिजल्टेंट मानते हैं. जैसे मान लो इधर 10 लगा है, तो हम इस 10 को ऐसे ही हो सकता है कि चलो इधर लगा दिया 10, इधर 10 लगा दिया, क्या दिक्कत है? तो इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके मैं नीचे ले आया, तो क्या लिखा है इसमें, फिजिकल इफेक्ट कॉज बाय ट्रांसलेटिंग द फ्री वेक्टर रिमेंस अनचेंज. मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन का, कि हमने मतलब ट्रांसलेट करके कहीं और लगा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट माय वेक्टर इज फ्री. ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा, फोर्स इन लीनियर मोशन इज माय फ्री वेक्टर. ठीक है, और यही चीज अगर मान लो मैं फिक्स वेक्टर पे आता हूं, तो फिक्स वेक्टर के लिए एक काम कर दो, मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, तुम इसको कॉपी करो. ठीक है, मैंने बोला फ्री फिक्स वेक्टर के लिए, फ्री हो गया हमारा फिक्स वेक्टर. फिक्स वेक्टर क्या होगा कि इसमें हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड. ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, फिजिकल इफेक्ट कॉज हो जाएगा, इट विल चेंज. फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन की जगह मान लो मुझे उसकी टॉपलिंग एनालिसिस करनी है. टॉपलिंग मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, लेट्स से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से 10 न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और मान लो मुझे इसको एनालाइज करना है, इसका टॉपलिंग एनालिसिस करना है. पढ़े होगे तुम फिजिक्स में टॉपलिंग, ठीक है ना, मतलब कितना फोर्स लगाऊं और कहां लगाऊं, सो दैट ये टॉगल हो जाए. सो नाउ माय फोर्स हियर, व्हाट एवर आई एम अप्लाइंग हियर 10 न्यूटन इज माय फिक्स्ड वेक्टर. द रीजन इज, अगर मैंने इसको ट्रांसलेट करके इधर लगाया, तो मेरा ये जल्दी टॉगल होगा, और अगर मैंने नीचे लगाया तो मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा टॉगल होने के लिए. तो अब इफ फिजिकल इफेक्ट चेंज हो रहा है, किससे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, ठीक है ना, अब हम कहाँ लगा रहे हैं फोर्स वो मैटर करने लगा है. तो मेरा ये इधर मेरा फोर्स क्या होगा, फोर्स हेयर इज माय फिक्स्ड वेक्टर. देखो, जब लीनियर मोशन को हम एनालिसिस कर रहे थे उसी फोर्स से, तब मेरा फोर्स क्या कर रहा था, फ्री वेक्टर का काम कर रहा था, मतलब हम ट्रांस उठा के उसको चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. ठीक है ना, रिजल्टेंट हम इधर बोल रहे हैं 10 न्यूटन, चाहे इधर बोल लो, चाहे इसको आगे की तरफ बोल लो, ऐसे बोल लो 10 न्यूटन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट इधर फर्क पड़ रहा है, इधर क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं इधर लगा रहा हूँ या इधर लगा रहा हूँ. तो फिक्स वेक्टर मतलब विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, मतलब उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड. इधर लिख लो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड, गेटिंग इट. तो हमारा हम ऐसे कोई नहीं बोला कि फोर्स क्या है, फ्री वेक्टर है या अपना फिक्स वेक्टर है. तो हम ये देखेंगे वो किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, ठीक है ना, वो देखेंगे हम किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है. जस्ट अ सेकेंड, बैग में, ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा फोर्स इधर लीनियर मोशन के लिए, तो फिक्स वेक्टर का, फ्री वेक्टर का काम कर रहा है, वही फोर्स हमारा टॉपलिंग एनालिसिस के लिए हमारा इसका काम कर रहा है, फिक्स वेक्टर का, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स वेक्टर को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अदरवाइज हमारा फिजिकल इफेक्ट चेंज होगा. ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू फील ऑफ दिस फ्री एंड फिक्स, इसलिए मैंने थोड़ा इलेबोरेट किया, ठीक है ना, अदरवाइज मैथमेटिकली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. अगेन, फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है इसका, फ्री एंड फिक्स का, बट मैथ्स में नहीं है, क्योंकि मैथ्स में जो भी तुम पढ़ोगे मैक्सिमम वो फ्री वेक्टर ही पढ़ोगे. यू कैन ट्रांसलेट इट एनी वेयर वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, चलो अब आते हैं हम, अच्छा एक चीज़ और लिख लो इसमें, एक नोट, कि जो हमारा क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, खुद सोचो कि पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, फ्री वेक्टर है या फिक्स वेक्टर है. मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, इज इट अ फ्री वेक्टर और अ फिक्स वेक्टर, जस्ट थिंक इट वंस. अब मैं बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर, छोटा सा पॉइंट हो गया. क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने जैसे बेसिक डेफिनेशन देखी थी पोजीशन वेक्टर की, क्या हो रहा था कि लेट्स से ये मेरा पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता था तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो अब मैंने बोला कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो ये फिक्स हो गया मेरा, ये पॉइंट फिक्स हो गया। तो ऑफकोर्स मैं इसको ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मान लो ट्रांसलेट करोगे तुम तो इसको पकड़ के रखना है, तो इसको तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है पोजीशन वेक्टर, इज अ फिक्स वेक्टर, मतलब इसको ऐसे एक बार ये भी लिख लो, जैसे वेक्टर होता है तो इसको बोलते हैं टेल और एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं हेड और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर में अगर टेल फिक्स हो गया, अगर मान लो स्टार्टिंग ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, एंड पॉइंट या टेल बोलते हैं जिसको, तो ऑफ कोर्स ये भी फिक्स हो गया, बिकॉज वी हैव टू कीप द लेंथ फिक्स, मतलब लेंथ को तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो मैंने बोला एक पॉइंट फिक्स है इधर, मैंने लेट्स से ये एक वेक्टर है, तो मैंने इधर अगर मैंने हिंज कर दिया तो आई कैन नॉट ट्रांसलेट इट, अदरवाइज एक्सपेंड हो जाएगा। रोटेट तो वैसे कर ही नहीं सकते, रोटेट कर दिया तो खैर वो तो नया ही वैक्टर मिल जाएगा। तो क्या बोलूँगा मैं, पोजिशन वैक्टर इज अ फिक्स वैक्टर, बिकॉज उसका जो टेल होता है वो हमेशा ओरिजिन होता है, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, ठीक है। चलो तो फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर पे इतना ठीक है, काफ़ी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिख लेना इसको सबको, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर, नेक्स्ट इज अगेन बहुत ही बेसिक चीज, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, नाम से इंडिकेट हो रहा है, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल। कब, अब मुझे पता है वेक्टर में तो दो ही चीज़ होती है, हमने शुरू से पढ़ के आ रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर की ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स। तो लिख लो इसको, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ their magnitude and direction is same। एक और इसमें ऐड कर लो, इज सेम एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें, इस पर मैं दोबारा नहीं आता हूँ। उसने क्या बोला कि दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी। बट इसमें जैसे बच्चों को डाउट हो जाता है थोड़ा सा कि सर इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फोर्स लिया, ठीक है ना, और एक वेलोसिटी ली, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सिक्स है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सिक्स है, बट वी नो दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, दे आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक तो फोर्स है और एक वेलोसिटी है, तो ऑल दो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, बट हम इन दोनों को सेम वेक्टर थोड़ी बोलेंगे। तो इसलिए लास्ट में ये वर्ड ऐड आया, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है ना। तो टू वैक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो दो मिनट अब वीडियो पॉज करो, एक बार जो भी डेफिनेशन पढ़ाई है इसको माइंड में खुद से रिकॉल करो, हमने किस सीक्वेंस में पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आना, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ही, मतलब क्या बोलते हैं, इग्नोर कर देते हैं बच्चे लोग ये बेसिक डेफिनेशंस को, फिर आगे जाके दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डेफिनेशंस। नाउ लेट्स नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर फिजिक्स में ही पढ़ा होगा तुमने, पैरेलल एंटी पैरेलल वही चीज़ है। कोलिनियर वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स को मैं कोलिनियर कब बोलूँगा, जब उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो पैरेलल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरा ये है, ठीक है ना। और चलो एक और बना देता हूँ, एक लेट से मेरा वेक्टर ये है, ठीक है। सो लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ वेक्टर ए, इसको बोल रहा हूँ वेक्टर बी, इसको बोल रहा हूँ वेक्टर सी, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन मतलब मैंने उस वेक्टर को डेड ऐसे एक्सटेंड किया, दिस इज व्हाट, जो मैं डेड डैश लाइन से बता रहा हूँ दैट इज व्हाट लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट वेक्टर ए, दिस डेड डैश इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बी,
एंड लेट से इसको भी मैंने ऐसे लिखा, सो दिस इज वॉट लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वैक्टर सी. तो दो वैक्टर्स को मैं कोलिनियर कब बोलूंगा, जब उनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल होगा. तो लिख लो पहले, टू वैक्टर्स आर कोलिनियर, टू वैक्टर्स आर कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज पैरेलल. अगर उनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल होगा देन आई विल से दोस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स. अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, दो क्लासिफिकेशन होते हैं कोलिनियर में, वो भी फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा. तो लिख लेते हैं हम, एक होता है लाइक वेक्टर्स और एक होता है अनलाइक. आई होप अब याद आया होगा क्या हो रहा है. लाइक वेक्टर्स मतलब जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो. अनलाइक वेक्टर मतलब जब दोनों डायरेक्शन का डायरेक्शन, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दीज टू आर माय लाइक वेक्टर्स, ठीक है ना, एंड दीज टू आर माय अनलाइक वेक्टर. मतलब ऐसे लिख लो, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, इफ दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वर्ड यूज होता है फिजिक्स में, तो उसको उसके लिए होता है अनलाइक. अनलाइक मतलब दोनों डायरेक्शन का, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है. एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे, या फिर एक पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाओगे एक नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाओगे. सो दोस टू विल बी अनलाइक वेक्टर्स. और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या बोलूंगा मैं, दीज आर लाइक वेक्टर्स, ठीक है ना. तो कोलिनियर के अंदर आते हैं ये दोनों. कोलिनियर मतलब जो ये तीनों कोलिनियर है, लेकिन ऑल थ्री आर कोलिनियर, ऑल थ्री आर कोलिनियर, बट उसके अंदर भी ए और बी लाइक है, बी और सी अनलाइक है, बिकॉज बी और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, ए और बी का डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे लिख लो पहले, लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन. अभी एंगल के टर्म्स में ही बोलूंगा मैं, लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होता है और अनलाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई होता है, वो अभी लिखवाऊंगा. इसके बाद ही जस्ट आएगा हमारा टॉपिक एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है ना. फॉर टाइम बीइंग अभी हम क्या याद रखेंगे कि लाइक वेक्टर्स मतलब लाइक हो चाहे अनलाइक हो, बोथ आर कोलिनियर. कोलिनियर का तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल होना चाहिए. अब लाइन ऑफ एप्लीकेशन, लाइन की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, तो लाइन इन तीनों वेक्टर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन तो पैरेलल है, तो ऑल दीज थ्री आर कोलिनियर. बट मैंने बोला ए और बी जो वेक्टर है ना, वो क्या बोलते हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम है. लाइन ऑफ एप्लीकेशन तो पैरेलल है ही, प्लस डायरेक्शन भी सेम है, तो उसके फर्दर अंदर हम क्या लिखेंगे, दैट इज लाइक वेक्टर्स. एंड बी एंड सी हियर आर अनलाइक वेक्टर्स. सिमिलरली ए और सी को भी मैं क्या बोलूंगा, ए और सी को दीज आर ऑल्सो अनलाइक, क्योंकि ए का डायरेक्शन उधर है, सी का डायरेक्शन अपोजिट है. सो ए एंड सी आर अनलाइक. लिख लो भले इधर, ए कॉमा बी अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम दीज आर अनलाइक, सॉरी दीज आर लाइक, और मेरा बी कॉमा सी एंड दूसरा पेयर ए कॉमा सी, दीज टू आर अनलाइक, अनलाइक पेयर्स, ठीक है ना. अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, इतना याद रखो, ठीक है. चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. अब आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स. एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है. देखो थोड़ा थोड़ा वेक्टर तो हम उधर भी देखे थे, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट अभी हम प्योर वेक्टर देख रहे हैं, ठीक है ना. देखो देखो वेक्टर तुम वैसे फिजिक्स में ही पढ़े हो, बट फिजिक्स में क्या है ना, वेक्टर एज अ चैप्टर डिफरेंट नहीं है. मतलब कहने का मेरा मतलब, उधर बहुत छोटा सा पार्ट है वेक्टर का, दैट इज कवर्ड इन द बेसिक मैथ्स ओनली इन फिजिक्स. बट अभी जो हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो वेक्टर से ऐसा नहीं कि तुम्हें वेक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, अगर अभी समझोगे अच्छे से. अभी अगर अच्छे से समझोगे ना, तो इवन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया था उस टाइम, हो सकता है तुम्हें कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ मेरा मेनली वेक्टर का यूज होता था वो उधर वीक रह गया हो, तो वो अभी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे. एंड अगेन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स एंड 3D आर कोरिलेटेड. तो अगर तुम्हारा वेक्टर्स स्ट्रांग है ना, 100% मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि 3D का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इवन फॉर एडवांस, ठीक है ना. इसलिए वेक्टर्स पे बहुत कंसंट्रेट करना. देखो आज की क्लास तो बहुत डेफिनेशन वाइज है और बहुत सी चीज़ें तुम्हें पहले से पता है, तो हो सकता है मे बी आज उतना मज़ा नहीं आ रहा हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारा न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा फील आएगा, ठीक है.
तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो गया, सिंपली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन. और इट बिलोंग्स टू इसकी रेंज क्या होगी, इट बिलोंग्स टू, देखना क्या लिख रहा हूँ, जीरो से पाई, दोनों पे क्लोज है, इट बिलोंग्स टू जीरो से पाई, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्ट, इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन एंड इट बिलोंग्स टू जीरो टू पाई. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज माई वैक्टर ए, दिस इज माई वैक्टर बी, तो एंगल क्या हो जाएगा मेरा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है ना. दिस इज माई वैक्टर बी, तो ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है ना. थीटा इज वॉट, एंगल बिटवीन ए एंड बी. इसको रिप्रेजेंट एक और तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, थीटा जनरली अपना वैक्टर्स में यूज होता है, ए कैप लगाते हैं इधर, इधर बी कैप लगाते हैं और इन दोनों के बीच में कैप लगा देते हैं. दिस इज वन इज नोटेशन इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड. सो ऐसा लिखना इम्प्लाइज ए और बी के बीच में एंगल इज थीटा, ठीक है ना. अच्छा एक चीज़ और है मिसकंसेप्शन इसमें बच्चों को होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वैक्टर ए ऐसे लिखा और वेक्टर मान लो मैंने बी ऐसे लिखा और लेट्स से दिस एंगल इज मान लिया 30 डिग्री है, तो फिर मैं पूछता हूँ बच्चों से कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो बच्चे क्या बोलते हैं 30, बट 30 इज नॉट 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 इज रॉन्ग, थीटा इज इक्वल टू 30 इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, तो उसके लिए एक लाइन लिख लो पहले, क्या कि जब भी हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स के या तो टेल को एक साथ ज्वाइन करेंगे, या तो टेल्स को या हेड को, ऐसा नहीं कि एक का हेड एक का टेल, नहीं ये नहीं चलेगा. मैंने बोला वाइल गेटिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वी विल क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स या फिर हेड. इन जनरल हम टेल ज्वाइन करते हैं, दिखने में आसानी होती है, ठीक है ना. तो क्या लिख लें इधर, टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ज्वाइन their tails या फिर heads, join their tails or head, या तो tails को join करो या head को join करो, तब हम जो angle दिखाई देगा that will be called as angle between the vectors, ठीक है ना. अभी आता हूँ मैं इस पर, दो तीन छोटे छोटे numericals देख लेते हैं हम, बहुत छोटे छोटे बच्चों टाइप, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. उससे पहले एक और चीज़, जैसे इसकी जो हमारी जो बाउंड्रीज है ना, मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जीरो एंड पाई, उसके लिए लिख लेते हैं कि अभी जो हमने देखा कि जो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो जीरो से पाई तक जाती है उसकी वैल्यू, मतलब जीरो और पाई के बीच में होगा. तो हम ये देख लेते हैं जीरो कब होगा, तो जीरो डिग्री कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स के सेम डायरेक्शन होंगे, मतलब लाइक वेक्टर्स के टाइप, लाइक वेक्टर्स के लिए, लाइक वेक्टर्स के लिए मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, जीरो डिग्री. और मेरा जो पाई है, पाई रेडियन या, तो क्या बोलूँगा, अनलाइक वेक्टर्स. अभी पढ़ा था ना इससे पहले हमने कि दो वेक्टर्स लाइक कब होते हैं और दो वेक्टर्स अनलाइक कब होते हैं, लाइक कब होते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो. तो अगर डायरेक्शन सेम होगा एंगल बिटवीन वेक्टर इज जीरो डिग्री, और अगर अनलाइक होंगे तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे मतलब ये वाला सिनेरियो, लेट से दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, तो दिस एंगल इज पाई, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर हेयर अनलाइक, ठीक है ना. और सेम डायरेक्शन होगा मतलब लाइक वेक्टर्स होंगे, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज जीरो, और उनके बीच में इंटरमीडिएट है सारे जीरो से पाई के बीच में, ठीक है. चलो तो अब छोटे छोटे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. अभी तक हमने कुछ बहुत टफ कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना. होपफुली समझ में आ रहा होगा. चलो मैंने लिखा फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इन द फॉलोइंग केसेस, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स इन फॉलोइंग केसेस. तो फर्स्ट लेट्स से मैंने लिखा वेक्टर ए ये है और लेट्स से वेक्टर बी ये है और ये मैंने लिख दिया 90. सेकेंड इज, चलिए एक काम कर दोबारा लिख लेता हूँ, दिस इज माई वैक्टर ए एंड दिस इज माई वैक्टर बी और लेट्स से दिस इज 60 डिग्री. सेकेंड इज लेट्स से दिस इज माई वैक्टर ए, दिस इज माई वैक्टर बी एंड लेट्स से दिस इज 40 डिग्री. थर्ड इज लेट्स से दिस इज माई एंगल वैक्टर ए एंड दिस इज माई वैक्टर बी, ये हो गया थर्ड. फोर्थ इज लेट्स से दिस इज माई वैक्टर ए, दिस इज माई वैक्टर बी
fifth one is, let's say this is my vector A and this is my vector B and let's say this is 150 degree. ठीक है, इतना काफ़ी है. चलो अब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो मैंने क्या बोला था उधर, जब भी हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने हैं तो हम दोनों वेक्टर्स के हेड या तो हेड हेड मिलाएंगे या टेल टेल मिलाएंगे. तो इसमें तो ऑलरेडी हेड टेल टेल मिला हुआ है, तो यही मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे वाले पे. तो मैंने बोला कि इधर मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, तो एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 40. द रीजन इज दोनों के हेड हेड नहीं मिले या टेल टेल नहीं मिले. तो हम क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे. अब हम कैसे मिलाएं, तो हमें पता है कि हम वेक्टर्स को तो कभी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैंने ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए को तो मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया और बी को मैंने शिफ्ट करके इधर लेके आ गया ऐसे. तो बी को शिफ्ट करूंगा ऐसे पैरेलली, दिस इज माय वेक्टर बी. अब ए और बी के हेड हेड मिल गए, अब मेरा एंगल हो जाएगा ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. अब ये कितना होगा, तो देखो अब मैं इसको ट्रांसलेट करके लाया था, ये वाला एंगल मेरा 40 था, तो ये कितना बचा 140. तो आंसर मेरा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 140. इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलना है तो यू हैव टू मेक देयर टेल सेम या फिर हेड सेम. कोई बोलेगा सर एक बार हेड सेम करके बताओ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम हेड सेम करके बता देते हैं. देखो मैंने बोला कि हेड सेम करना है, तो ये वेक्टर तो ए एज इट इज रहने देता हूँ. अब देखो इस वेक्टर को मैं जो मेरा ये वाला वेक्टर, इसको ट्रांसलेट करके ऐसे ले आता हूँ. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एंड दिस एंगल इज 40. तो अब दोनों के हेड हेड मिल गए, हेड हेड मिल गए तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल, तो दिस विल बी 140. तो कैसे भी बोल लो, बट इन प्रैक्टिस क्या होता है, जनरली हम टेल टू टेल मिलाते हैं, दैट इज मोर कन्वीनियंट. तो इसलिए आफ्टर मेकिंग देयर टेल सेम देन वी विल सी द इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, ये तो क्या हो गया, पैरेलल दिख रहा है ए और बी, तो आंसर इज 0. ये एंटी पैरेलल दिख रहा है, तो आंसर इज पाई या फिर 180 डिग्री ले लो, रेडियन में पाई या फिर डिग्री में लिखना है तो 180 डिग्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो इसमें क्या होगा, अगेन 150 नहीं बोलूंगा मैं, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों के हेड या दोनों के टेल नहीं मिले हुए हैं. तो उसको मिलाने के लिए क्या किया, मैंने ए को शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, तो बी तो मेरा ये है ही, दिस इज माय बी, और ए को मैंने शिफ्ट कर दिया और इसके टेल पे रख दिया, तो दिस इज माय वेक्टर ए. ऐसा क्यों रख पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने जैसा कि बोला मैथ्स में वॉट एवर वैक्टर यू आर गोइंग टू लर्न दे ऑल आर फ्री वैक्टर, और फ्री वैक्टर क्या होता है, विच कैन बी ट्रांसलेटेड वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये मेरा ये एंगल कितना है 30, तो दिस इज 30. तो अब मैं इसमें क्या बोलूँगा, माई आंसर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6 रेडियन. आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इसको मैं रब कर देता हूँ, कॉपी करो. ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. नाउ लेट्स मूव टू द एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. लिखो नेक्स्ट इज एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. ठीक है ना, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. इसमें पहला लिखो मल्टीप्लाइंग द वेक्टर विद अ स्केलर, मल्टीप्लाइंग द वेक्टर विद द स्केलर. इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ये मेरा एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, वेक्टर ए है ये, और इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से मेरे को कुछ भी दे रखा है, लेट्स से 5 यूनिट से रखा है. ठीक है ना, ये 5 यूनिट से रखा है. अब उसने क्या बोला कि मान लो मैंने, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने वेक्टर ए को मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया. मैंने क्या बोला, ये मेरा वेक्टर ए है, दिस इज माई वेक्टर ए, और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, हमें सेम डायरेक्शन में एक और वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका दुगना. डायरेक्शन स्केलर अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होगी, और अगर मान लो नंबर जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये वैक्टर ए है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी माई 2a वैक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10. डायरेक्शन विल रिमेन द सेम. और मान लो इसी को मैंने लेट्स से माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एक तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, कितना होगा, दुगना.
और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. सो दिस विल बी माई माइनस टू ए वैक्टर. गेटिंग, इसका मैग्नीट्यूड विल बी अगेन 10. तो सिंपली वैक्टर को अगर मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, अच्छा मान लो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मैंने अगर मान लो किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिमेंस द सेम. इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? मैंने कहा, लिख लो चलो इसको एज ए क्वेश्चन, ऐसे दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो लिखवाता हूँ. इफ ट्रू फॉल्स, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर, विद अ स्केलर, देन इट्स डायरेक्शन रिमेंस द सेम, देन इट्स डायरेक्शन remains the same, remains the same. Is it a correct or not? सोचो पॉज करके. This is false. क्यों? The reason is कि अगर वो scalar positive होगा तो direction same होगी, और अगर negative होगा वो scalar तो direction opposite होगी. तो direction change हो सकता है. हाँ, ये है कि दो ही direction होगी, या तो same direction या just opposite direction. बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रू फॉल्स, वॉट आई शुड पुट फॉल्स. रीजन इज उसने बोला है कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन विल रिमेन द सेम. आंसर इज फॉल्स. और रीजन क्या लिखूंगा? इफ स्केलर इज पॉजिटिव, स्केलर इज पॉजिटिव, देन डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, देन डायरेक्शन रिमेन्स द सेम. एंड इफ स्केलर is negative, then the direction is opposite. Then the direction is opposite. जैसे कि अपन complex number में पढ़ते थे कि मान लो कोई complex number है, let's say z is equal to, let's say मैंने iota ही लिख दिया. अगर मैं इसको मान लो minus one से multiply कर रहा हूँ तो क्या होगा? जो हमारा vector होता था 180 degree से rotate हो जाता था ना, वही चीज़ है कि अगर scalar negative है तो वो क्या करेगा, vector को 180 degree से rotate कर देगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू आयोटा है तो जेड इज इक्वल टू आयोटा तो मेरा क्या हो गया, ये वाला वेक्टर. और अगर मान लो इसको मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से ये जेड वन है, जेड टू मैंने लिखा तो माइनस आयोटा, तो क्या होगा, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देगा, तो दिस इज माइनस आयोटा. तो मल्टीप्लाइंग विद अ स्केलर क्या करेगा, या तो डायरेक्शन सेम रहेगा, वो कब, जब स्केलर पॉजिटिव होगा. इफ स्केलर इज नेगेटिव देन द वेक्टर विल गेट रोटेट बाय 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ. चलो अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के अंदर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास. ठीक है ना, इसको समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखो वेक्टर एडिशन. अगेन ये फिजिक्स में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट हम दोबारा पढ़ेंगे. ठीक है ना, दो वेक्टर्स को हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो शायद पढ़ा होगा तुमने, देयर आर टू लॉज, दो तरीके से. एक तो क्या होता है हमारा, ट्रायंगल लॉ. लेट्स को लिख लो पूरा, ट्रायंगल लॉ. और एक होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है ना, एक एक करके दोनों हम देखेंगे. ठीक है, ट्रायंगल लॉ तो क्या बोलता है कि पहले ट्रायंगल लॉ पे ले रहा हूँ, लेट्स से मेरा वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और मुझे निकालना है ए प्लस बी वेक्टर या ए माइनस बी, वॉट एवर. तो अभी के लिए मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ. ठीक है, और लेट्स से दिस इज माई वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज माई वेक्टर बी, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. ठीक है ना, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक वेक्टर उठाया मैंने, लेट्स से दिस इज माई वेक्टर ए, और क्या बोल रहा है कि जो दूसरा वेक्टर है ना उसका टेल इसके हेड पे रखो. क्या बोला, दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर ए और जो सेकेंड वेक्टर है उसका टेल फर्स्ट के हेड पे रखो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी को, और हमें पता है वेक्टर्स को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करके मैं इधर आया और इस पे मैंने टेल पे रख दिया. क्या किया, जो मेरा वेक्टर बी था उसका टेल. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मुझे ऐड करना है दो वेक्टर्स को. ठीक है ना, थोड़ा बैटरी का इशू हो गया था. ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए को एज इट इज रखा और जो दूसरा वेक्टर है उसका टेल मैंने पहले के हेड पे रखा, दिस इज हेड, बी के लिए ये टेल है तो इसको रखा. अब क्या बोल रहा है वो ट्रायंगल लॉ कि द वेक्टर ऑब्टेंड बाय जॉइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज माई सम वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी.
इसको इफ यू वांट टू राइट इन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यू कैन राइट इट, ठीक है ना। क्या बोला एक बार और मैं डायग्राम से ही बता रहा हूँ, तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लो इफ यू वांट टू राइट। मैंने कहा लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए और मुझे वेक्टर बी को ऐड करना है इसके साथ, तो क्या करो ए के हेड पे बी का टेल मिलाओ। तो बी का टेल मतलब बी को ट्रांसलेट करके आई विल पुट इट हियर, ये बी का टेल है ये ए का हेड है, इन दोनों को मिलाया। उसके बाद क्या बोल रहा है ए प्लस बी वेक्टर जो होगा मेरा क्या होगा ए का टेल बी का हेड, ए का टेल बी का हेड, दिस विल बी माय सम वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मान लो मुझे ए माइनस बी निकालना है तो क्या करूं, कोई सोच सकता है? ये पहले कॉपी करो इसको, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तो क्या करें, तो मैं सब्ट्रैक्शन को ही एडिशन के तरह ट्रीट कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन से कि ए माइनस बी वैक्टर जो होगा दैट विल बी वैक्टर ए प्लस माइनस बी वैक्टर, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ए माइनस बी निकालने के लिए ए को माइनस बी में ऐड करेंगे, आई लेट ए विथ माइनस ऑफ बी, सो वॉट आई लेट ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने जो केस लिया था उसमें मेरा वैक्टर ए ये था और ये मेरा वैक्टर बी था, ठीक है ना, एक्स ऐसे डायग्राम था हमारा। तो अब हम करते हैं इसको, तो मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी ए माइनस बी निकालने के लिए क्या चाहिए, माइनस ऑफ बी, क्योंकि मैं ए में क्या ऐड करने वाला हूँ माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा, जस्ट ये डायरेक्शन, ये वेक्टर क्या होगा 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते नेगेटिव नंबर से तो वेक्टर क्या होता है 180 से रोटेट हो जाता है, तो ये रोटेट होके ऐसा हो जाएगा। चलो मैं इसी को लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी। अब माइनस बी को एक मिनट के लिए तुमने सी बोला तो तुम्हें तो बस ऐसे दिखना चाहिए कि सी और ए को ऐड करना है, तो सी किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या बोला, हम क्या करें इसका टेल इसके हेड पे मिला देते। तो इसको मैं ट्रांसलेट करके जैसे चलो इधर अलग डायग्राम से बना लेता हूँ, मैंने कहा वेक्टर ए तो मेरा ये रहा और वेक्टर बी का क्या करते थे, वेक्टर बी का टेल ए के हेड पे, तो ए का हेड ये है और वेक्टर बी का टेल ये है, तो मुझे ऐसे ट्रांसलेट करके आई विल पुट इट हियर, दिस इज माय वेक्टर बी माइनस बी मतलब विच इज सी, मैंने सी बोला है। अब क्या करना है, उसने क्या बोला था ए का टेल बी का हेड से जो वेक्टर मिलेगा दैट इज नथिंग बट दिस वेक्टर, दिस इज ए माइनस बी वेक्टर, एक्चुअली ए प्लस माइनस बी, दिस इज व्हाट बेसिकली हमने क्या निकाला ए प्लस माइनस बी। आई होप समझ में आया होगा ट्राइंगल लॉ, ठीक है ना, वेरी इजी। और बाकी अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, सो मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ मैंने जैसे कि बोला तुम लोग लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या करना है हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो पहले वेक्टर एक लिखा फिर उसके हेड पे दूसरे का टेल मिला रख दिया और फिर मैंने पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड उसको ज्वाइन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट सम वेक्टर, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे, तो ये भी बहुत आसान है पैरेललोग्राम लॉ, ये भी तुम फिजिक्स से पढ़े होगे, तो देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोल रहा है, लेट्स से हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है ना, वही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी। उधर तो हम क्या कर रहे थे, बी को इसके हेड पे रख रहे थे, अब क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ कि तुम क्या करो दोनों का हेड मिला लो या फिर दोनों का टेल, वट एवर यू वॉन्ट, हम टेल मिला के कर रहे हैं, दोनों का टेल मिलाओ। तो वेक्टर ए ये रहा और इसको मैं ट्रांसलेट करके ऐसे रख दिया, दिस इज माय वेक्टर बी, ठीक है। क्या बोला कि दो वेक्टर्स जिनका मुझे एडिशन निकालना है उन दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया, या हेड को भी कर सकते हैं, नो इशू। अब क्या बोल रहा है, अब मैंने इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मान के पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो मैं क्या करूँगा पैरेललोग्राम बनाने के लिए वेक्टर ए मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, देखना वेक्टर ए इधर है तो इसको शिफ्ट करके इधर रख दिया, दिस इज द लॉजम ऑफ वेक्टर ए ओनली बिकॉज वी नो इन मैथमेटिक्स फ्री वेक्टर है सब कुछ। सिमिलरली वेक्टर बी ये है तो इसको ट्रांसलेट करके इधर रख दिया, तो दिस इज माय वेक्टर बी। नाउ दिस इज व्हाट अ पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम आ गया, अब वो क्या बोल रहा है, दिस डायगनल इज माय सम वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, दिस विल बी माय ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। एक तो ये हो गया और दूसरा अब डिफरेंस कैसे निकाले, तो डिफरेंस क्या बोल रहा है वेक्टर का,
जो पहले लॉ बनाया ना तुमने उसका एक डायगनल तो तुम्हारा आगे ए प्लस बी वैक्टर, वो बोल रहा है कि दूसरा जो डायगनल होगा दैट विल बी माई ए माइनस बी वैक्टर. मतलब मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ. लेट्स से दिस इज माई वैक्टर ए, दिस इज माई वैक्टर बी, सो दिस विल बी माई, ये तो मेरा पहले लॉग्राम हो जाता, दिस इज माई ए माइनस बी वैक्टर. ठीक है, दिस विल बी माई ए माइनस बी वैक्टर. तो बहुत ही आसान है. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट. कि कैसे लिखोगे इसको पहले लोगों कि जिन दो वेक्टर्स का एडी, कोई भी दो वेक्टर्स दिए मान लो हमें, उनको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया. और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद वो ये हम ये बोल सकते हैं कि उस पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगनल होंगे, एक तो सम वेक्टर होगा और एक डिफरेंस वेक्टर होगा. ठीक है, दोबारा एक बार मैंने बोला दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, उस पैरेललोग्राम में दो डायगनल होंगे, वन विल बी द सम वेक्टर एंड अदर विल बी द डिफरेंस वेक्टर. ठीक है बच्चों, अब कोई बोलेगा सर जरूरी है कि टेल टेल मिलाना. देखो टेल टेल मिलाओगे ना तो ये बीच वाला वेक्टर ए प्लस बी आएगा, बट पैरेललोग्राम तो हमारा बिना इसके भी बन सकता है. कैसे, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखना छोटी सी चीज. लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए और मान लो ये मेरा वेक्टर बी है. ठीक है, तो अभी तो मैंने बोला था तुम्हें कि हम ए और बी को टेल टेल मिलाएंगे, बट बिना मिलाए भी काम चल जाएगा. मान लो हेड और टेल मिल रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा. तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये, दिस इज माय बी वेक्टर एंड दिस इज माय ए वेक्टर. अभी भी क्या है, दो डायगनल होंगे, एक डायगनल होगा हमारा ए प्लस बी और एक होगा ए माइनस बी. बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा ना, ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा ये वाला वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर, ये मेरा a प्लस बी आएगा. सोचो कैसे, अब दिस इज योर टास्क. और ये वाला जो वेक्टर होगा ना, दिस विल बी माय a माइनस बी वेक्टर, दिस विल बी माय a माइनस बी वेक्टर. देखो अभी मैं जो आगे अभी इसके जस्ट बात बताने वाला हूँ शॉर्टकट्स, वो ज़्यादा ईजी रहेंगे एज कम्पेयर टू मेरे को, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ जो मुझे फील आती है. मतलब थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है ये पहले लोग राम लाओ. द रीज़न इस डायग्राम तक तो क्लियर हो जाता है. वो जैसे ये डायग्राम बनाता हूँ ना तो वो क्या सोचते हैं कि ए प्लस बी वैक्टर है ना, वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. तो जो पैरेललोग्राम है, मान लो कोई भी पैरेललोग्राम है लेट्स से ये, तो उसकी जो बड़ी वाली लेंथ होगी ना ये, वो ए प्लस बी होगी. ऐसा नहीं है, कीप दैट इन माइंड. मैंने बोला डायग्नल में दो डायग्नल्स होंगे पैरेललोग्राम में. ऐसा नहीं है कि जो जिसका लेंथ बड़ा है वो ए प्लस बी वैक्टर होगा और जिसका लेंथ छोटा है वो ए माइनस बी वैक्टर होगा. दिस इज 100% फॉल्स. यू कैन सी हियर, ये बड़ा वाला जो डायगनल है दैट इज ए माइनस बी वैक्टर, और जो छोटा वाला है वो ए प्लस बी वैक्टर आ रहा है. ठीक है, तो कैसे आ रहा है वो तो मैंने तुम्हें बताया अभी जनरलाइज स्टेटमेंट कि पैरेललोग्राम हमारे पास जो दो वैक्टर्स दिए हैं उनको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो दो डायगनल मिलेंगे, एक होगा सम वैक्टर एक होगा डिफरेंस वैक्टर. तो उसमें सम कौन सा होगा डिफरेंस कौन सा होगा, तो ये स्पेसिफिक केस हो गया. मतलब अगर ऐसे जाएंगे तो भी करेक्ट है कि अगर हमने टेल टेल मिलाया, अगर हमने टेल टेल मिलाया तो बीच वाला जो वेक्टर होगा वो पक्का एडिशन वेक्टर होगा. ठीक है, और डिफरेंस वेक्टर कैसे लाऊंगा, वही टेल मिलाने के बाद एक के टिप से दूसरे के टिप्स को ज्वाइन करने वाला विल बी डिफरेंस वेक्टर. ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट इट हियर, डिफरेंस वेक्टर के लिए जैसे मैंने इधर लिखा था, इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो कि ये दोनों की टेल मिलाए हमने. ठीक है, और दोनों के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर विल बी द डिफरेंस वेक्टर. ये पक्की बात है. कब, जब मैं टेल टेल मिला रहा हूँ, टेल टेल मिला रहा हूँ तो दोनों के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर विल बी डिफरेंस वेक्टर. बट उसमें भी क्या है कि या तो वो ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा. वो कैसे पहचानेंगे, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ये, ए की तरफ पॉइंट कर रहा है ना तो ए माइनस बी. अगर मैं ऐसे लिखता तो ये बी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये हो जाता बी माइनस ए. समझना, एक बार और मैं रिकॉल इसको लिख लो, मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ इसको. मैंने बोला जनरली देखो बच्चे लोग कन्फ्यूज होता है इसमें, बट अभी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा उससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, बट फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना होता है उसके लिए मैंने बोला दोबारा एक बार, ये वेक्टर ए है. ठीक है, पैरेललोग्राम सीख रहा है. देखो ट्रायंगल लॉ तो ईजी था, अब पैरेललोग्राम में मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी. तुम तो क्या करो, थंब रूल क्या करो, जो कन्फ्यूज जिससे गलती ना होगी, हमेशा दोनों वेक्टर्स के टेल को मिलाओ. मिला दिया, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, जो एक के हेड से दूसरे के हेड पे जा रहा है, दैट विल बी द डिफरेंस वेक्टर. ये एक डायगनल हो जाएगा और बचा हुआ दूसरा डायगनल. अब ये ए माइनस बी है तो ऑफकोर्स ये ए प्लस बी होगा,
एक ये डायग्राम बना लो, एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं. लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी. दोनों डायग्राम को खुद से तसल्ली से वीडियो पॉज करके एनालाइज किया जो मैं बोल रहा हूँ. अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे अगर इसी लॉजिक से जाना है तुम्हें कि भाई टेल टेल मिलाओ और एक का टिप से दूसरे के टिप को ज्वाइन करेंगे तो डिफरेंस वेक्टर मिलेगा, तो मैं ठीक है बी वेक्टर को ट्रांसलेट कर देता हूँ इधर. लेट्स से ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना. अब अगेन ये बी वेक्टर और एक है, दोनों के हेड हेड मिल गए. अब मैं क्या करूँगा, एक का टिप दूसरे पे मिलाऊंगा, एक का हेड दूसरे के हेड पे मिलाऊंगा, तो दिस इज डिफरेंस. और ये की तरफ पॉइंट कर रहा है ए माइनस बी, ठीक है ना. अब कोई बोलेगा सर ये वेक्टर और इससे पहले आपने डायग्राम बनाया था, एक्चुअली डायग्राम में लग रहा है हमने क्या किया था उधर, लेट मी चेंज द कलर, इस पैरेलोग्राम को कंप्लीट किया था, ठीक है, ये पैरेलोग्राम को कंप्लीट किया था और ये डायगोनल बोला था हमने, दिस विल बी माय ए माइनस बी. तो देखो वही है एक्चुअली, ये ट्रांसलेटेड है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है ना. ये मेरा ए माइनस बी और ये भी मेरा ए माइनस बी है. आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछो, ठीक है ना, बट आना चाहिए. अब हम आ रहे हैं शॉर्टकट पे, फिर हमारे ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो शॉर्टकट देख रहे हैं. देखना ध्यान से, किसी भी डायग्राम के लिए लेट्स से मेरा एक वेक्टर ये है. अब देखना, एक वेक्टर लेट्स से ये बी है, एक लेट्स से मेरा वेक्टर और कोई डायरेक्शन ले लेता हूँ, लेट्स से सी है, ये बी है. अब मुझे ऐड करना है, तो हम तो क्या करेंगे, हमेशा ट्राइंगल लॉ से जाएंगे हमेशा. मतलब अगर तीन चार वेक्टर दिए होंगे ना तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ डायरेक्ट तो लग नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे ट्राइंगल लॉ से क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर उठाया तुम्हारी मर्जी. लेट्स से मैं ए पहले उठा रहा हूँ, अगेन मैं ए उठा रहा हूँ, तुम लोग बी भी उठा सकते हो, मैंने ए को लिखा, ठीक है ना. डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज, फ्री वेक्टर है, ट्रांसलेट कर सकते हैं. अच्छा अब मैं क्या करूँगा, कोई इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर उठाया, उसका टेल इसके हेड पर रख दिया, ट्रायंगल में यही करते हैं. तो ये ए ए बी वेक्टर है, तो विदाउट वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड ये बी वेक्टर हो गया. आई होप सेम लग रहा होगा डायरेक्शन, नहीं लग रहा तो थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं. दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है ना. अब सी वेक्टर बचा है, उसका अगेन उसका टेल इसके हेड पर रख देते हैं, सो दिस इज माई सी वेक्टर. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी. देखना डायरेक्शन, ये वेक्टर लेट्स से यहाँ तक आ रहा है, दिस इज माई ए प्लस बी प्लस सी. कोई बोलेगा कि सर अगर मैंने ए पहले लिया फिर सी लिया फिर बी लिया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं. चलो वैसे ही बता देता हूँ, लेट्स से मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर मैंने पहले ए लिया था तो मैंने ए ले लिया, उसके बाद फिर मैंने सी ले लिया तो सी को ट्रांसलेट करके रखूँगा तो दिस विल बी सी वेक्टर, और उसके बाद बी ले लिया तो उसके बाद बी ले लिया, तो डायरेक्शन चेंज, ये लो सी ले लिया वेक्टर बी. नाउ ऑल्सो वॉट यू विल गेट इज सेम वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी विल बी माई दिस वेक्टर. ये तो एक पहली बात हो गई, ठीक है ना. आई होप क्लियर हुआ होगा. अब आते हैं दूसरी बात पे, एक चीज़ और बता देता हूँ उसके बाद फिर अपन आज के लिए एंड अप करते हैं, बिकॉज आज सब कुछ नया है, थोड़ा सा एब्जॉर्व करने में थोड़ा मे भी टाइम लगे, बट हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए. देखो स्पेशली दिस वेक्टर एडिशन, ठीक है ना. मुझे रिव्यूज़ चाहिए तुम लोगों के आफ्टर दिस लेक्चर कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, या फिर आई शुड एड सम मोर पार्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना. तो आफ्टर वॉचिंग दिस आई वॉन्ट अ रिव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट जो आज का लेक्चर है, ठीक है ना. चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज. मान लो को मैं तो कोई डायग्राम दिया है, फॉर एग्जाम्पल लेट से देखना, अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट से ये दिया है, ठीक है ना. लेट से दिस इज पी क्यू, दिस इज लेट से वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी. मान लो तुम्हें क्यू से पी जाना है, क्यू से पी मतलब मुझे चाहिए क्यू पी वेक्टर, क्यू से पी. तो क्या करो तुम, क्या बोल रहा है ये शॉर्टकट देखना, तुम क्यू से पी तक चल के आओ कोई भी पाथ के थ्रू, और उस पाथ के अंदर जो भी वेक्टर्स तुम्हें मिलते जाए ना उन सबको ऐड करते जाओ, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैं क्यू से मूव करना चालू करूँगा पी तक, तो क्यू से पी एक तो यही है क्यू पी वेक्टर. अब मैं एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो जो रास्ते में वेक्टर आते जाएंगे आई विल ऐड अप दोज वेक्टर. तो इधर क्या मिला, सी इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ तो माइनस सी. बी सेम डायरेक्शन है तो प्लस बी. फिर ए इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए माइनस है. तो दिस इज माय सिंपली क्यूपी वेक्टर. समझ में आया. और देख लेते, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखना लेट से दिस इज ये वाला वेक्टर मुझे लिखना है यहां से यहां तक का, ठीक है. ध्यान से देखना, लेट से मैं इसको नाम देता हूं ए बी, ए से बी, ए बी वेक्टर.
तो ए से बी तक अब मैं इस पाथ के थ्रू जा रहा हूँ। अब मान लो उसने वेक्टर डिफाइन कर रखे ए बी सी डी और लेट से ई, ये सब वेक्टर्स डिफाइन कर रखे, तो तुम क्या करोगे? अब देखना ध्यान से, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाओ किसी भी बात के थ्रू, जितने ही वेक्टर्स रास्ते में आए सबको ऐड कर दो। तो पहले तो ई, ई आया ई, ऑफ कोर्स वेक्टर है, मैं ऊपर साइन नहीं लगा रहा हूँ बट ई है, वेक्टर है। फिर डी बीच में आया, बहुत अच्छी बात है, डी ऐड कर दिया। अब सी आया, फिर सी ऐड कर दिया। फिर बी आया, बी ऐड कर दिया। फिर ए नहीं आया, ए तो इस डायरेक्शन में दिया, मैं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो माइनस है। सो दिस इज माई ए बी वैक्टर। कितना शॉर्टकट हो गया। अब यही चीज़ तुम ट्राइंगल लॉ वगैरह में कर सकते थे। अब देखना तुम्हें अब ज़्यादा फील आएगी ट्राइंगल लॉ वगैरह की। जैसे अभी मेरा ट्राइंगल लॉ में क्या था, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ऐसे रखते थे हम। अब खुद सोचो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आई कैन यूज एनी पाथ। तो दिस वेक्टर, लेट से मैं इसको बोल रहा हूँ ए से बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब ए से बी जाओ, रास्ते में जो भी वेक्टर मिले ऐड कर दो। ए मिला प्लस बी मिला, डन। पहले लो राम लो पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ जाओ, ये इससे तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। लेट से पहले लो राम पे आए, ये मेरा वेक्टर ए था, ये वेक्टर मेरा बी था, दो सिनेरियो लिए थे मैंने। अब देखना दोनों सिनेरियो क्लियर कर रहा हूँ, देखो इधर शॉर्टकट से, ये मेरा वेक्टर ए था और ये मेरा वेक्टर बी था। अब देखना ध्यान से, ध्यान से। अब मैंने बोला लेट से मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, तुम तो आँख बंद करके यहाँ से यहाँ आओ, रास्ते में जो वेक्टर मिले उनको ऐड कर दो। तो यहाँ से चल के मैं ऐसे आऊँगा यहाँ तक, तो एक तो b मिलेगा, बट b का डायरेक्शन ये दिया, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो इट इज़ माइनस बी, दिस इसी डायरेक्शन में प्लस ए, दिस इज माई वैक्टर दिस, लेट से मैं पी क्यू बोल रहा हूँ इसको, तो दिस इज माई पी क्यू वैक्टर। तो देखो डिफरेंस वैक्टर आ गया, छोटा वाला वैक्टर डिफरेंस वैक्टर आया इस केस में, बट इधर देख इधर क्या आने वाला है। अब लेट से मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, तो रास्ते में लेट से दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो पी क्यू वैक्टर क्या लिखूंगा, पी से क्यू जाऊँगा, जो रास्ते में आएगा ऐड कर दूंगा। B आया सेम डायरेक्शन है तो सिंपली B, प्लस A आया सेम डायरेक्शन है A तो B प्लस A। तो इधर देखो मेरा, इधर ये छोटा वाला जो आ रहा है ना पैरेललोग्राम का, वो मेरा B प्लस A आ रहा है। तो ऐसे जाओगे ना, कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ट्रस्ट मी कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर अपन आज का लेक्चर हैंड अप करते हैं। वैसे एक आध न्यूमेरिकल था मेरे पास और थोड़ा सा मुझे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लेना था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, सो आई एम फिनिशिंग इट नाउ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बट अगेन आई एम स्ट्रेसिंग इट मोर, अच्छे से फील लेके पढ़ना वेक्टर, रियली बोल रहा हूँ। तुम्हारा वेक्टर अगर अच्छा हो गया ना तो 3D का क्वेश्चन कतई ही नहीं छूटेगा, और प्लस ये पार्ट अगर अच्छा हो गया तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।